बात करेंगे श्री प्रभु भाई वसावा जी से, जो बारदोली से भाजपा के युवा सांसद हैं। सर फालकुटी श्री जी, आपको स्वागत है। थैंक यू। आपकी सरकार को केंद्र में 3 साल के करीब होने आ रहे हैं, तो आपके द्वारा बारदोली में क्या क्या काम किए गए हैं केंद्र की योजना के तहत, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। मेरा मतदार संघ गुजरात के बारडोली लोकसभा, जो सरदार पटेल साहब की कर्मभूमि कहा जाती है, तो ये किसानों की भूमि है। और मेरे मतदान संघ में वैसे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हमारे आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में पूरे देश का बहुत ही अच्छी तरह से विकास होने जा रहा है। पूरे विश्व भर में हमारे मोदी साहब एक आइकॉन की तरह वो उभरे हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ मेरे मतदार संघ की थोड़ी मोटी मोटी, तो मेरे मतदार संघ में जब पहली बार इलेक्शन में जाना हुआ, तो इलेक्शन में जो जो लोगों ने काम जो बताए थे, बहुत जरूरी ऐसे पेंडिंग जो काम बाकी थे और काफ़ी जरूरत जो आम जनता के लिए, हर एक के लिए खूब जरूरी था, ऐसे 3-4 काम के लिए मैं बताना चाहूँगा। बाकी तो बहुत ही सारे काम होते रहे। मेरा मतदार संघ वैसे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पार्ट भी लगता है, वहाँ से लेकर सूरत डिस्ट्रिक्ट और तापी डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही 240 किलोमीटर लंबा ये मेरा मतदार संघ है। पहले तो खास करके गुजरात और महाराष्ट्र दोनों स्टेट और दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला जो स्टेट हाईवे सूरत और अपना धुलिया, वो हाईवे के बीच में एक दस्तान रेलवे ओवर क्रॉसिंग, वो ये काम बहुत ही जरूरी था दोनों स्टेट को जोड़ने वाले मार्ग और आम जनता का ये प्रमुख काम कहलाता था। तो मैंने हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी से विनती के साथ ये हकीकत बताई, तो तुरंत ही उन्होंने ये काम सेंक्शन कर दिया और आज ये काम चालू हो गया। 40-50% तक ये काम आगे बढ़ चुका है। दूसरी बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 8 अहमदाबाद टू मुंबई जाता हुआ जो नेशनल हाईवे है, तो बीच में 16 किलोमीटर वाइडनिंग का काम पेंडिंग रह गया था। पिछली गवर्नमेंट ने ये काम सेंक्शन हो चुका ऐसा करके लोगों को फर्जी कागज भी बांटे थे, तो ये काम बाकी था। इसके बारे में भी हमारे गडकरी साहब को बताया और ये काम वाइडनिंग के साथ इसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट जो पॉइंट है वहाँ हर वक्त छोटे मोटे एक्सीडेंट, जानलेवा एक्सीडेंट होते रहते थे, तो वहाँ पे ये फ्लाईओवर या अंडरपास ये सेंक्शन हो चुका है। और मैं खुशी से बताना चाहूँगी कि परसों 1 तारीख को ये काम को हम खात मुहूर्त करने के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ मनसुख भाई मांडविया जी MOS गुजरात से स्टेट हाईवे वो पधार रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और दूसरी बात करो तो शिक्षा के बारे में, हमारे सूरत डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय केंद्रीय विद्यालय नहीं था, तो वो टाइम स्मृति जी ईरानी HR मिनिस्टर थे, उनको भी बताया था कि हमारे मतदार संघ में ये जवाहर नवोदय विद्यालय सेंक्शन हो चुका है, आने वाले समय में काम होता रहेगा। दूसरी बात बताऊँ तो हमारे तापी जो डिस्ट्रिक्ट है मेरा, 84% ट्राइबल पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र जो इतने सालों से चालू था, तो ट्राइबल का जो बेनिफिट मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता था। तो मैंने ये भारत सरकार में ये ध्यान पे संज्ञान में लाया और ये हमारे जो तापी डिस्ट्रिक्ट का कृषि विज्ञान केंद्र को ट्राइबल केवी के
में रूपांतरित कर दिया है, इसलिए हमारे ट्राइबल किसानों को ज्यादा बेनिफिट भी अभी मिलेगा। तो इसी तरह ये बहुत सारे काम होते रहे। वैसे सरकार का जो हमारा फोकस है, तो सरकार ने जिस तरह जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं जो बनाई है, ये योजना तो हमने बहुत सारी योजना का लाभ बहुत सारे लोगों को मिले, इसी तरह का प्रयास किया है। खास करके दो चार प्रमुख जो हमारे रूरल के लिए जो योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सब लोग जानते, पूरे देशवासी जानते हैं कि एक महिला के लिए एक आशीर्वाद रूप ये योजना बन चुकी है। तो ये हमने जो हमारा जो टारगेट है 5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन देना है, ये बहुत गति से आगे बढ़ रहा है और महिलाओं में एक आनंद एक दिखने को मिलता है। इसके अलावा और मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, जो हमारे मोदी साहब की एक अलग सा हेल्थ वाइज ये ड्रीम है कि लोगों को नॉमिनल रेट में अपनी दवाई मिल सके। और हमने भी ये प्रधानमंत्री जन औषधि के थ्रू मेरे मतदार संघ में 11 जगह पे मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि खुलवा दिए हैं, और ये लोगों में लोगों के लिए ये भी एक आशीर्वाद के रूप में ये योजना बन चुकी है। इसी तरह काफ़ी काम है, हमारे तापी नदी जो हमारी हमारे मतदार संघ से गुजरती है, वहाँ भी एक नया मांडवी लोकेशन पे एक नया ब्रिज सेंक्शन हो चुका है, वो भी एक बहुत बड़ा ब्रिज आने वाले समय में वो बन जाएगा। इसी तरह चाहे पानी की बात हो, चाहे किसानों के लिए इरिगेशन की बात हो, या बिजली की बात, तो हर एक जगह पे तो काम तो होता रहता होते रहेंगे। नहीं, आपके क्षेत्र में पानी की विशेष समस्या है, तो उस दिशा में क्या काम होगा अभी? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया है। वैसे सिंचाई का पानी दोनों, हाँ, पिछले 2 साल में हमारे गुजरात या देश के अन्य प्रदेशों में भी पानी की इतनी सारी समस्या बन चुकी है, क्योंकि धीरे 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 पानी जो है, पानी का लेवल जमीन में नीचे जा रहा है। हम चाहे कितना भी ट्यूबवेल डीपली बनाए, लेकिन पानी ही नहीं है तो लाएंगे कैसे? तो इसलिए हमारी सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने मिलके जो पानी का स्रोत है, हमारे मेरे मतदार संघ की बात करूँ तो उकाई डैम बहुत ही बड़ा डैम है, तो ये डैम में से बहुत सारी अपनी पानी पुरवठा योजना जो गुजरात सरकार ने बनाई है, और वहाँ से पूरा ब्लॉक ही ब्लॉक लेके हर एक गांव को, गांव तक ये पूरा शुद्ध पीने का पानी वहाँ पहुँचाया जाएगा, वो काम चालू हो चुका है। और ऐसी 4-5 प्रमुख योजनाओं मेरे मतदार संघ में वो चालू है और काम हो रहा है। आदर्श ग्राम योजना के तहत आपने कौन सा काम किया और क्या काम हुआ? अच्छा, मेरा जो आदर्श गांव जो है हरिपुरा, जो सूरत जिले में पड़ता है, और सुभाष चंद्र बोस वो ये हरिपुरा गांव में आए थे, वहाँ बहुत बड़ी सभा उन्होंने कांग्रेस आयोजन किया था, तो ये गांव ने मैंने गोद लिया है, और वहाँ मेमोरियल अच्छी तरह से ठीक हो इसके लिए मैंने प्रयास किया है। गांव का सीसी रोड के बगल में पेवर ब्लॉक, एक एजुकेशन के लिए पूरा नया सेटअप क्लासरूम के साथ वो किया है, क्लासरूम में वो स्मार्ट बोर्ड या ई लाइब्रेरी, इवन बच्चों को या गांव लोगों को थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए वो एक्सरसाइज इक्विपमेंट, बच्चों को खेलने के लिए क्रीड़ांगण, और पानी की समस्या, और खास करके जो हमारे स्वच्छ भारत अभियान में जो हमने जो हमारे हमारी सरकार का जो कदम रहा है, तो हर एक घर में एक सैनिटेशन बने, ये हमने प्रयास किया है।
और इसी तरह एक जो गांव की खास जरूरी जरूरी काम थे वो पूरा करने के लिए हमने प्रयास किया है और जो भी कुछ है। और इसी तरह मेरा सेकंड बेस्ट का गांव है तापी डिस्ट्रिक्ट का, वो गांव है चिखलवा, वो तापी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये गांव में भी पूरा VDP बना के आने वाले समय में एक अच्छी तरह से वहाँ विकास का काम हो और साथ में रोजगार सृजन का काम हो, एक शुद्ध पीने का पानी। और मैंने एक हमारे साउथ गुजरात में शायद ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि एक SHG ग्रुप महिलाओं को एक RO प्लांट का पूरा ही सेटअप दे दे उनको, और साथ में एक वेंडिंग मशीन के साथ वो पानी खुद भी ले सके और महिलाओं को एक रोजगार भी मिलेगा, और RO प्लांट का एक ऑटो रिक्शा में या कैसे भी करके होम डिलीवरी भी हमने वो एक छोटा सा एक रेवन्यू मॉडल भी बना के वो आगे बढ़ सके। और बाकी लेक का काम है, रोड का काम है, साइन बोर्ड का काम है, और मेरे दोनों गांव में आने वाले दिनों में अभी मैं करने जा रहा हूँ CCTV, और गांव में फ्री वाईफाई उनको मिल सके ऐसा भी मैंने प्रयोजन किया है। तो इसी तरह मैं जितना भी हो सके अच्छा करने के लिए मेरा कोशिश मैं कर रहा हूँ। GST का बिल्कुल माफ हुआ, हाँ आपकी क्या राय है? कल GST का जो GST का बिल जो पास हुआ है, पूरे देश की जनता ने ये देखा है, और ये आज़ादी के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय या ऐतिहासिक बिल कल पारित हुआ है। हम जैसे बताते हैं वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, तो ये पूरा देश एक मार्केट बन जाएगा और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी कुछ ले जाने लाने में हम सब देख रहे हैं कि 5-5 घंटा 10-10 घंटा तक ये दोनों स्टेट के बीच में जो चेक पोस्ट होती है नाके पे तो ये फंसते हैं, तो ये टाइम भी खराब होता है, पेट्रोल का वेस्ट होता है, और जो भी कुछ है चीज़ें ले जाने लाने में कमोडिटी वगैरह जो भी कुछ है तो वो भी खराब होती है। तो ये बहुत ही बड़ा फायदा हो जाएगा और पूरे देश को जैसे मोदी साहब का जो विजन है कि हर एक को साथ में लेके हमारे देश का हर एक स्टेट को साथ में लेके सबका विकास करना, सबका साथ सबका विकास, तो ये जो परिकल्पना हमारे मोदी साहब की हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार की है तो उनको सार्थक करने के लिए मोदी साहब चाहे हमारे एक लास्ट में आया हुआ छोटा सा स्टेट क्यों नहीं हो, वहाँ के लोगों की कोई भी इनकम ना हो फिर भी उनको भी साथ में लेके साथ में उनका भी डेवलप करने का, चाहे किसी भी कोई भी स्टेट हो, कोई भी समाज हो या कोई भी गरीब व्यक्ति हो, सबको ये उठाने के लिए सबको सबका विकास करने के लिए ये बहुत ही अच्छा बिल है। और मल्टीपल टैक्स जो सिस्टम वो ख़त्म हो जाएगी और इसकी वजह से जो रिटेल जो मार्केट था वो भी वो सस्ती चीज़ें सस्ती हो जाएगी, और प्रशासन या जो भी खर्चा वो भी कम हो जाएगा और टाइम भी बचेगा और बाकी जो भी प्रशासनिक काम है वो हो पाएगा। इसी तरह बहुत सारे इतने जो GST के पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत ही फायदा होने वाला है और आने वाले समय में वो खुद हर एक भारतीय नागरिक महसूस कर पाएगा। प्रभु भाई आपसे अंतिम सवाल, गुजरात में इलेक्शन होने वाले स्टेट के, तो क्या तैयारी और क्या लगता है भाजपा का कैसा प्रदर्शन रहेगा? गुजरात में विधानसभा का चुनाव अभी आएगा, तो अभी भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और आने वाले चुनाव में भी बहुत ही जंगी बहुमति से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के आएगा। हमारी विधानसभा की संख्या 182 है, 182, तो 182 से में बहुत सारे हर एक जगह पे
और अभी देखे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब गुजरात से हैं, जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। और ये दोनों जोड़ी बहुत ही काम करते हैं, पूरा देश देख रहा है। और जिस तरह पूरे देश में और हमारे गुजरात में, और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो गरीबों की विकास लक्ष्य योजना जो अमल में रखी थी, आज उनका पूरा फायदा लोगों को मिल रहा है। हर एक समाज को, हर एक वर्ग को, चाहे रूरल एरिया हो या चाहे सिटी, कहीं भी, तो हर एक जगह पे सबको ध्यान में लेके योजनाओं का जो भी योजना बनाई थी वो सभी कार्यान्वित हो चुकी है। और इसी का एक विकास की बात करें तो विकास का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, तो ये लोग नहीं भूले। और आने वाले समय में संपूर्ण बहुमत से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। लेकिन एक दिन मेरे पे रशिया से फोन आया, अपना इंडिया स्टूडेंट का जो प्रेसिडेंट है पंजाब से, उन्होंने बताया कि आपके मतदार संघ की एक बेटी यहाँ बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है, उनको एयर एम्बुलेंस से ही लाना पड़ेगा, इसी तरह उन्होंने बताया था। फिर ये बात मैंने तुरंत ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सुषमा जी, हमारे आदरणीय विदेश मंत्री से उनको बताया। तुरंत ही उन्होंने वहाँ रशिया में मॉस्को अपने इंडियन एम्बेसी में बात करके वहाँ अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट करवा के 3-4 दिन में वो बच्ची की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई। और इसके बाद में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की मानवतावादी सरकार ने वहाँ से संपूर्ण आर्थिक सहयोग के साथ इंडिया लाने का प्रावधान किया, और ये बच्ची अच्छी तरह से 4 दिन में ही अपने घर आ पहुँची। और जब उनके घर पहुँची तो उनके उनके परिवार के आंखों में एक पानी आ चुका था, आंसू आ चुके थे, और उन्होंने भारत सरकार का, मोदी साहब